Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टीवी पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं वो टेलीविजन पे अपनी बढ़िया एक्टिंग और गुड लुक्स के लिए जाने जाते हैं, जिनकी इम्प्रेसिव स्माइली काफ़ी है दर्शकों के दिलों को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता साहिर शेख की, जो टेलीविजन में ईयर 2009 से एक्टिव है और आज है टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक। साहिर को अब तक हम कई शोज में एज अ लीडिंग कैरेक्टर देख चुके हैं, जहाँ उनके टीन ड्रामा हो या हिस्टोरिकल शोज हो या फिर हो उनके रोमांटिक शोज, ऑडियंस ने उन्हें इन सभी शोज में बखूबी पसंद किया है, जहाँ उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी और उनकी हीरोइंस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे मेन हाईलाइट रही है उनके हर एक शोज में। साहिर अब तक कई टीवी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो पे हम रैंकिंग करेंगे टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ीज मेड विद साहिर शेख फ्रॉम हिज वेरियस शोज। तो स्टार्ट करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहां उनके शो तेरी मेरी लव स्टोरी से उनकी और माही बिज की क्यूट जोड़ी, जहां दोनों सिर्फ एक एपिसोड के लिए ही साथ पे दिखे थे पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। अब बात करेंगे रैंक नंबर 9 की, जहां है साहिर संग सीना बजाज की जोड़ी सीरियल बेस्ट ऑफ लक निकी सीजन 1 से, जहां साहिर रितेश के किरदार में थे और सीना उर्फ डॉली के लव इंटरेस्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए थे। अब चलते हैं रैंक नंबर 8 की तरफ, जहां है साहिर के साथ नाज़नीन घानी की जोड़ी सीरियल क्या मस्त है लाइफ से। ये साहिर का फर्स्ट सीरियल था, जहां इस टीन ड्रामे में वीर और रागिनी की यंग और रिफ्रेशिंग जोड़ी को टीन ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। तो दोस्तों अब आते हैं रैंक नंबर 7 की तरफ, जहाँ है साहिर संग विभा आनंद की पेयरिंग सीरियल महाभारत से, जहाँ साहिर वॉरियर अर्जुन के किरदार में थे तो विभा उनकी अपोजिट में उनकी पत्नी सुभद्रा के किरदार पे नज़र आई थी, जहाँ दोनों के क्यूट रोमांटिक सीन्स काफ़ी ज़्यादा स्वीट और इंटरटेनिंग थे। अब आते हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ है साहिर शेख के साथ अंकिता लोखंडे की जोड़ी वेब सीरीज पवित्र रिश्ता सीजन 2 से, जहाँ साहिर मानव के किरदार में नज़र आ रहे हैं तो उनके अपोजिट में अंकिता अर्चना के रोल में दिख रही है। दर्शकों के लिए दोनों की पेयरिंग काफ़ी सरप्राइजिंग और नई है देखने में, जहाँ दोनों की सिंपल सी जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा तारीफें मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करेंगे रैंक नंबर 5 की, जहाँ है साहिर के साथ सोनालिका भदौरिया की जोड़ी सीरियल दास्तान ए मोहब्बत सलीम अनारकली से, जहाँ इस हिस्टोरिकल ड्रामे में दोनों अपने गुड लुक्स और बढ़िया एक्टिंग के वजह से सलीम और अनारकली के इश्क की दास्तान को दर्शकों के दिलों तक पहुँचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे थे। तो दोस्तों अब आएंगे रैंक नंबर 4 पर, जहाँ है साहिर शेख के साथ पूजा शर्मा की पेयरिंग, जहाँ ये दोनों अर्जुन और द्रौपदी के किरदार में नज़र आए थे। इस शो में अर्जुन द्रौपदी के लिमिटेड सीन्स होते हुए भी ये दोनों अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों के दिलों को जीतने में सफल रहे। ये दोनों साथ में हर एक सीन में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट नज़र आते थे। अब आएंगे रैंक नंबर 3 पर, जहाँ है साहिर के साथ रिया शर्मा की जोड़ी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के से, जहाँ अबीर के किरदार में साहिर और मिस्ट्री के किरदार में रिया आते ही अपनी क्यूट सी केमिस्ट्री से दर्शकों के दिलों को जीतने में काफ़ी हद तक सफल रहे और कम समय पर ही दर्शकों की फेवरेट जोड़ियों में से एक बन गए। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 2 की तरफ, जहाँ है साहिर के साथ सौम्या सेठ की जोड़ी सीरियल नव्या से, जहाँ सौम्या और साहिर की यंग जोड़ी यूथ ऑडियंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी और अनंत और नव्या की इस जोड़ी को स्टार प्लस की मोस्ट रोमांटिक जोड़ियों में से एक में काउंट किया जाता है। फाइनली आएंगे साहिर के साथ बनी जोड़ी नंबर 1 पर, जो है साहिर और एरिका की जोड़ी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से, जहाँ प्यार से इस जोड़ी को इनके फैंस देवाक्सी नाम से बुलाते हैं। दोनों की जोड़ी को साथ में इतना पसंद किया गया था कि सोनी को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 बार इस शो के सीजन्स को लाना पड़ा दर्शकों की डिमांड पर, और देवाक्सी का कपल टेलीविजन की मोस्ट रोमांटिक एंड लव्ड जोड़ियों में से एक में काउंट होता है। तो दोस्तों ये थी साहिर के साथ अब तक बनी हुई टॉप 10 रोमांटिक जोड़ीज। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी रही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।